स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, 5.1 एक्सरसाइज. इट इज़ गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी. पहले बताना है कि कौन सा एपी में है. अगर कोई एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है. इफ इट इज देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स. और हमें अगले तीन टर्म्स लिखना है. आपके पास बुक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करूँगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग अभी सोल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले दिया हुआ है 2, 5.5 बाई 2, 3 और 7 बाई 2. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2, 5 बाई 2 मीन्स 2.5, 3, 7 बाई 2 मीन्स 3.5, मतलब 2, 2.5, 3 और 3.5. हम सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं. A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 5 बाई 2, A3 इज इक्वल टू 3, A4 इज इक्वल टू 7 बाई 2. नाउ वी विल फाइंड डी. सो वी हैव टू फाइंड D1, D2, D3 बिकॉज इफ यू आर ओनली फाइंडिंग डी हियर. अगर सिर्फ हम यहाँ से डी निकाल लेते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि अगले दो टर्म के बीच का क्या डिफरेंस है, उसके अगले दो टर्म का क्या डिफरेंस है. इसीलिए हम लोग D1, D2 निकालेंगे. D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1. D1 इज इक्वल टू A2 मीन्स 5 बाई 2 माइनस 2. 5 बाई 2 आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 5 माइनस 4, इट विल बी 1 बाई 2. नेक्स्ट वी विल फाइंड D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. इट विल बी A3 व्हाट इज 3 माइनस 5 बाई 2. We will find here LCM. It will be 2, 3 multiplied by 2. It will be 6 minus 5. आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 by 2. D3 is equal to A4 minus A3. A4 is the 7 by 2 minus 3. हियर वी विल ऑल्सो टेक द एल्सीयम. यहाँ पे 2 और 1 कैल्शियम लिया, 2, ये हो गया 7, 7 से माइनस हुआ, 3 टू जा 6, और ये हो गया आपके पास 1 बाई, ये आपका 6 हुआ. 3 से 2 को मल्टीप्लाई 6, 1 बाई 2. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको. D1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, D2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 और D3 इज इक्वल टू 1 बाई 2. मीन्स D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3. यानी जो किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो सब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है. तब हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एन ए पी. ये क्या हमारे पास AP में है. आप इसको ऐसे भी कई बार लिख सकते हैं. अब जब AP है तो क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस. तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में CD भी लिख सकते हैं. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब यहाँ पे कितने टर्म्स दिए हुए हैं, 4. अगले 3 टर्म्स निकालने हैं तो टर्म्स निकालना आपको आता है. तो अगले 3 टर्म्स निकालने हैं तो यहाँ पे 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 4 टर्म्स, 1, 2, 3, 4. तो अब आपको क्या निकालना है, A5, A6 और A7 निकालना. यानी आप 3 टर्म्स आगे लिख करके और लिख देंगे मोर 3 टर्म्स आर, जो होगा वो A5, A6, A7 लिख सकते हो. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5. क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है. क्वेश्चन 5 में दिया है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2
एंड 3 + 3√2। इसमें भी आपके 4 टर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे फाइंड करने के लिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया a1, ये हो गया a2, ये a3 और ये a4। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले d1 निकालेंगे। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो d1 इज इक्वल टू a2 क्या है, 3 + √2 - 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस थ्री है, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो d1 इज इक्वल टू कितना हो गया, √2 आ गया। वैसे ही क्या फाइंड करेंगे, d2। अगर आप d2 फाइंड करते हो तो क्या है, 3√2 3 + d2 इज इक्वल टू a3 - a2। देन d2 इज इक्वल टू a3 कितना है, ये रहा a1, ये a2 और ये हमारा है a3। a3 है 3 + √2 - a2 और a2 है 3 + √2। फिर से 3 प्लस में है, ये -3, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब d2 इज इक्वल टू 2√2 माइनस, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी एक स्टेप मैं और कर देता हूँ। यहाँ पे d2 इज इक्वल टू 3 + √2 - 3 + √2, क्योंकि ये माइनस जो है a2 के साथ है, a2 से पहले माइनस है और a2 जो है वो है 3 + √2, इसीलिए हम लोग माइनस के बाद ब्रैकेट यूज़ करके 3 + √2 यूज़ करेंगे। d2 इज इक्वल टू 3 + √2 - 3 - √2, ये हमारा कैंसिल होगा। d2 इज इक्वल टू 2√2। अब ये 2√2 से 1√2 माइनस होगा तो सिर्फ √2 यानी 1√2 बचेगा। वैसे ही अगर हम d3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a4 - a3। अब a4 कितना है, ये a4 है। अब a4 जो है वो है d3 इज इक्वल टू 3 + 3√2, a4 3 + 3√2 - a3। a3 ये रहा, दिस इज a3। वी विल यूज ब्रैकेट 3 + 2√2। d3 इज इक्वल टू 3 + 3√2 - 3 - √2, माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 3√3 और 2√3, 3 बार √2 है और 2 बार माइनस हो रहा है √2, तो 1 बार √2 बचेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 3x - 2x करते हैं। d3 इज इक्वल टू √2। क्या हमें पता चला, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो इट इज इन ap। ये हमारे पास क्या है, ap है। आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, वो आप a5 और a6 a7 इजीली निकाल सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे सर सॉल्व करा देते, पता नहीं कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो a है वो 3 है। यहाँ पे एक जगह है, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। a दिया हुआ है 3, d दिया हुआ है √2। क्या फाइंड करना है, a5। तो a5 इज इक्वल टू a + 4d। तब यहाँ पे क्या लिख लोगे, a5 इज इक्वल टू a3 + 4 × d, और d क्या है, √2 है। d जो है वो √2 है। यहाँ पे देख लो आप, a इज इक्वल टू 3 दिया था, d इज इक्वल टू √2 है और a5 इज इक्वल टू a + 4d है। a5 इज इक्वल टू a + 4 × √2, तो a5 जो है वो कितना आ गया, 3 + 4√2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका √2, √8, √18 एंड 32। हम ऑलरेडी रूट सॉल्व करने के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। √2 को क्या लिख सकते हैं? √2। √8 को 2√2। √18 को, अब 18 को 19 × 2 लिख सकते हैं। 18 को 9 × 2, तो 9 का 3 हो गया। 18 को जब सोल्व करोगे तो 3√2 होगा। वैसे ही 32 को आप सोल्व करोगे तो होगा 4√2। ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो